वह अफसाना जिसे अंजाम तक जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी ने कई ट्वीट किए महंगाई के खिलाफ। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार को जगाया, केंद्र सरकार से आग्रह किया कि महंगाई इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, परंतु बहन जी को यह पता नहीं था कि 3-4 महीने से जो दाम बढ़ोतरी रुकी हुई थी, केंद्र सरकार ने मार्केटिंग कंपनी के ऊपर दबाव बनाया हुआ था कि फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव है और तेल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, और इस तरह से वह दाम रुका हुआ था, मूल्य वृद्धि नहीं हो रहा था। परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सरकार ने कहा दाम तो बढ़ा सकते हो, परंतु एकाएक नहीं, अचानक और लंबे चौड़े नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 80 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर। उत्तर प्रदेश के राजनीति दिनों दिन नीचे गिरती जा रही है। आपने बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस तो सुने होंगे, लेकिन एक शर्मनाक मामला सामने आया है, केस दर्ज हुआ है हाईवे रॉबरी का, जिसे हम कहते हैं राहजनी, रास्ते में छीना झपटी। और पुलिस हाईवे रॉबरी का केस दर्ज करती है, जिसमें बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव के पुत्र आलोक यादव को नामजद किया गया है कि स्कॉर्पियो रोककर 1,00,000 रुपये उन्होंने लूटा। क्या उत्तर प्रदेश के विधायकों में अब ये दिन आ गए कि राहजनी करेंगे, रास्ते में लूटपाट करेंगे? कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीति अब काफ़ी निचले स्तर पर आ चुकी है, अब ये कुछ भी कर सकते हैं। उधर बिहार में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लोग चर्चा यह भी कर रहे हैं, और लोग क्या, बीजेपी विधायक चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे, और अब आने वाले समय में जो राष्ट्रपति होंगे वह भी बिहार के ही होंगे। कुल मिलाकर इशारा था नीतीश कुमार जी के तरफ कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति पद पर बिठाया जाए, और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पद पर बिठाने का मतलब है राजनीति से आउट करना। क्या जदयू के दिन लद गए, अथवा नीतीश कुमार जी का टाइम ओवर हो चुका है? बहुत सारे नेता तो यह भी कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में अब वह करंट नहीं रहा जो 2005 में हुआ करता था। कहने का तात्पर्य यह कि बिहार की राजनीति में भी बदलाव हो रहा है। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी बदल गई। बहुत सारे लोग अब कहने लगे कि बहन मायावती जी दोबारा शांत हो गई है, अगर वह हलचल नहीं मचाएंगी, तमाम बहुजन समाज के युवाओं को जो वॉलेंटियर्स हैं, जो मिशन चलाने वाले हैं, जो लोग कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट नहीं करेंगे तो बसपा इतिहास बन जाएगा, और इस तरह से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक चॉकलेट लॉन्च किया है कुपोषित बच्चों के लिए, जिस पर प्रधानमंत्री जी का फोटो होगा और भारतीय जनता पार्टी का निशान, जो कमल का निशान है, वह लगा होगा। तर्क यह है कि बहुत सारे बच्चे कुपोषित होते हैं, उनके लिए यह चॉकलेट उतारा गया है और उनको ये बांटा जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन हम तो ये कहेंगे यह प्रचार का एक माध्यम भी तो हो सकता है। कहने का मतलब यह है, आप सच बोलकर बैठे रहें, वह झूठ बोलकर बाजार निपटा देंगे। और रही बात ये, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, वह जितने भी चुनाव हुए उसमें जो भी धांधली हुई, हेरा फेरी हुई, उसके ऊपर वो चर्चा करते हैं, और वे लोग बोलते भी हैं। खास करके अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, कंटिन्यूटी वाली सरकार है, ऐसा नहीं है कोई नई सरकार आई और महंगाई बढ़ी है, ये सरकार 5 साल पहले से है और दोबारा आई है। इन्हें रोजगार के ऊपर जो है कुछ बोलना चाहिए, कुछ ध्यान देना चाहिए, महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। और आपको एक बात और बता दें कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है
अब रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। आपको पता है कि पहले मिलिट्री में लोग भर्ती होते थे या सोचकर कि हमें पेंशन मिलेगा, हमारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, और वो मिलिट्री में भर्ती हुआ करते थे, यानी सेना में भर्ती होते थे। लेकिन सेना ने, अब तीनों अंगों ने एक स्कीम निकाली है नियोजन का, यानी 3 साल के लिए आप सेना में भर्ती होंगे। इससे केंद्र सरकार को पेंशन का दबाव नहीं होगा, रिटायरमेंट का झंझट नहीं होगा, और जो युवा वहां पर भर्ती होंगे उसके बाद भी वो अपना नई जॉब तलाश सकते हैं। कुल मिलाकर ठेके वाला जो प्रथा है वह अब डिफेंस में भी शुरू हो जाएगा, रक्षा में भी शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब अब केवल नियोजित शिक्षक ही नहीं होंगे, नियोजित मिलिट्री भी हुआ करेगी। इस तरह का स्कीम लॉन्च किया गया है। रोजगार के अवसर तो खोलेंगे, परंतु वह अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई यानी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में अब किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं होगा। वर्तमान सरकार जो आम जनता के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठा रही है, ऐसा कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है जहां पर लोग जाकर अपने आप को सिक्योर सुरक्षित महसूस कर सके। और विपक्ष पहले से ही कमजोर है, आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।